नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। कंगना रनौत का शो लॉकअप बहुत जल्दी आने वाला है। इस शो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर में कंगना रनौत सलाखों के पीछे बेहद बोल्ड और ब्यूटीफुल लग रही हैं। दर्शक एकता कपूर के प्रोडक्शन में बने इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कंगना भी अपने इस रियलिटी शो के प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। हाल ही में वो एकता कपूर के साथ एक शो के प्रमोशन के लिए पहुंची थी। इस दौरान कंगना ने कहा कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो लॉकअप में रहना डिजर्व करते हैं और मेरे लॉकअप में मेरे फेवरेट कास्ट होगी। सबसे पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर, मैं वहां उनकी मेजबानी करना चाहूंगी और मुझे लगता है कि एकता कपूर भी। ये कहकर कंगना रनौत हंसने लगी। आगे कंगना ने कहा कि उन्हें कुछ राजनेताओं को भी लॉकअप में डालना चाहिए। एकता ने उन्हें राजनेताओं के नाम लेने से रोका और मजाक में कहा ऐसा करने से उन्हें लॉकअप में ले जाया जाएगा। खबर ये भी है कि इस शो का हिस्सा वो सेलिब्रिटीज बनेंगे जो किसी न किसी वजह से विवादों में रहे हैं। पुलिस लॉकअप की तरह इसमें भी प्रतिभागियों के हाथों में हथकड़ी बांधी जाएगी। डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी लहरी का शानदार करियर 5 दशकों तक चला। उन्हें सोने के आभूषण पहनने का बहुत शौक था और वो हमेशा ही गोल्ड के आभूषण पहने नजर आते थे, इसलिए उन्हें गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सोने के गहनों के लिए उनका प्यार अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली से प्रेरित था। हालांकि बाद में गोल्ड इनका लकी चार्म बन गया। उनके पास इतना गोल्ड था कि उन्हें देखभाल के लिए एक असिस्टेंट भी रखना पड़ा था। कई सोने की चैन, अंगूठियां और काला चश्मा बप्पी लहरी की ट्रेडमार्क बन गए थे। साल 2010 के अंत में उन्होंने पारंपरिक सोने के आभूषण ना पहनने का फैसला लिया और एक नए युग के धातु लुमिनेक्स ऊनो को चुना। बप्पी का सारा सोना लॉकर्स में खूबसूरत डब्बों के अंदर संभाल कर रखा हुआ होता है। बताया जा रहा है कि उनके निधन के बाद उनका सारा गोल्ड उनके बेटे बप्पा और रेमा संभाल कर रखेंगे। बता दें कि बप्पी का निधन लंबे समय से चल रही बीमारी की वजह से हो गया था। राखी सावंत और उनके पति नितेश एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसकी जानकारी राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी थी। पति से अलग होने के बाद राखी काफी उदास दिख रही हैं। हाल ही में राखी ने अपने जिम के बाहर पैपराजी से बातचीत की। पति के साथ अलगाव के बारे में बात करते हुए राखी सावंत बेहद भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि नितेश, मैं कोर्ट कचहरी नहीं जाऊंगी। उन्होंने ये शादी और मेरा दिल दोनों तोड़ दिया है। अब मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। ये कहते हुए राखी जोर जोर से रोने लगी। राखी ने बताया कि नितेश ने अपनी पत्नी के साथ कानूनी मुद्दों के कारण मुझे छोड़ दिया है। अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो अब सलमान खान से कोई मदद लेना चाहेंगी, तो राखी ने कहा कि मैं सलमान खान के पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। इससे पहले राखी ने बताया था कि नितेश ने उनके कॉल्स लेना बंद कर दिए हैं और उनकी मां से भी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। टीवी जगत का सबसे फेमस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने अब तक कई सारे सुपरहिट कलाकार दिए हैं। इसी शो में कार्तिक की बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मोहिना कुमारी सिंह इन दिनों काफी चर्चाओं में बनी हुई हैं। दरअसल मोहिना प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज को शेयर करते हुए अपने फैंस को दी। मोहिना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये खुशखबरी फैंस को दी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां मिल रही हैं। अभिनेत्री द्वारा शेयर किए गए इन फोटोज में देखा जा सकता है कि वो बेबी बम फ्लॉन्ट कर रही हैं। आपको बता दें कि मोहिना कुमारी सिंह ने सुयश रावत से 14 अक्टूबर 2019 को शादी की थी। सुयश सतपाल महाराज के छोटे बेटे हैं और मोहिना कुमारी रीवा के राजा पुष्पराज सिंह जुदेव की बेटी हैं। अभिनेत्री की शादी की सभी रस्में उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई थी। वहीं उनके वेडिंग रिसेप्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शामिल हुए थे। मोहिना कुमारी सिंह के करियर की बात करें तो उन्हें सबसे पहले 2012 में डांस इंडिया डांस के सीजन 3 में देखा गया था। मोहिना रीवा की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो शानदार डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। टीवी एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। अब एरिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर के जरिए इसकी जानकारी दी और अपनी फैमिली फ्रेंड्स और फैंस के लिए इसके लिए धन्यवाद दिया। एरिका ने कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरे लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना सम्मान की बात है। सोनाक्षी के किरदार को सटीक आकार देने के लिए मैंने अपना दिल और आत्मा लगा दिया था। इसमें मुझे डायरेक्टर और को एक्टर का भी साथ मिला। जब मैं बच्ची थी तो किसी ने मुझसे कहा था कि एक दिन कोई तुम्हें वो प्लेटफॉर्म देगा जिस पर तुम अपना टैलेंट दिखा पाओगी। आप क्या करते हो ये आपके हाथों में है। कोई तुम्हें बना या बिगाड़ नहीं सकता। ये आपके ऊपर है कि आप इस काम को किस तरह से करते हैं और खुद का निर्माण कैसे करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।